इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में स्कूटर्स में जैसे किंग बनी बैठी है एक्टिवा, उसके बाद आती है एक्सेस, तो इनकी लाइन में कहीं ना कहीं 6G के अलावा और कोई कॉम्पिटिटर है तो वो है टीवीएस जुपिटर। और ये जुपिटर आ चुकी है BS6 में। कहीं ना कहीं ये गाड़ी इन दोनों को, तीनों को कॉम्पीट करती है और इन कॉम्पिटिशन की जो लाइन है इसमें अपना जो स्थान है उसने अच्छे से पकड़ कर रखा हुआ है। तो आज हम इस गाड़ी का लेने वाले हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही शेयर किया जाता है, तो आज भी मैं वही करने वाला हूं। इस गाड़ी को चला रहे, चला चुके, साथ ही टेस्ट राइड लेकर लौटे, ऐसे अलग अलग लोगों से रैंडमली बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं और वही पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है और यहां पर वही समरी मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। इस गाड़ी का पिकअप कैसा है या फिर माइलेज कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या ये लंबे समय तक चल पाएगी, जेंट्स के लिए ठीक है या फिर लेडीज के लिए ठीक है या फिर दोनों के लिए ठीक है, या फिर यूँ समझ लो कि इसका इंजन का काम जल्दी निकलता है नहीं निकलता है, तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह के सवाल हैं जो कि आप लोगों के मुझ तक पहुँचे हैं और आज मैं उसी का जवाब देने वाला हूँ। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। मैं लुक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर रहता है। हो सकता है मुझे इसका लुक अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, या फिर एग्जैक्ट इसके उल्टा। तो लुक जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, उस तरह से कहीं एक क्लासिक टाइप का लुक आप कह सकते हो या फिर एक रेट्रो टाइप का जो लुक है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। मुद्दे की बात आती है, वो है इसकी मजबूती कैसी यहाँ पर मिल रही है। तो आखिरकार ये टीवीएस ने बनाई हुई गाड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवीएस और हीरो अपनी गाड़ी में एक आध फीचर भले ही कम दे दे लेकिन बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन ही देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है आपको। जो इसका फूट रेस्ट है वो हार्ड क्वालिटी का है, वही इसमें जो स्विचेस दिए जा रहे हैं आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रहे हैं। सीटिंग कंफर्टेबल एबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है, कुशनिंग भी अच्छी मिल रही है, अंडर सीट स्टोरेज भी जो उसके अंदर प्लास्टिक यूज़ करा गया है वो भी बेहतरीन हार्ड क्वालिटी के मटेरियल से बनाया हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी मजबूती इसके मडगार्ड से भी आप समझ सकते हो जो कि मेटल के बने हुए हैं, और जो पूरी बॉडी है वो कुछ हद तक फैब्रिक मटेरियल यहाँ पर है और कुछ हद तक स्टील मटेरियल और कुछ हद तक आपको यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल भी मिलता है। तो जो भी जितना भी मटेरियल यहाँ पर है बेहतरीन क्वालिटी का है। तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करी है इस टीवीएस ने इस गाड़ी में, ऐसा महसूस नहीं होता है। मेन मुद्दे की बात आती है, वो इसकी हैंडलिंग। तो ऐसा है कि इसका जो कर्व वेट है वो 109 kg का है, 109 लगभग 110 किलो तक की ये गाड़ी चली जाती है। तो ऐसे में भी आपको बॉडी टू वेट रेशियो बेहतरीन मेंटेन करा हुआ इस गाड़ी में मिलता है, 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि अगेन अच्छी बात है क्योंकि अक्सर हम लोग रूरल या फिर खराब रास्तों पर अगर लेकर जाते हो तो नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिल रहा है। इनिशियल पिकअप इसका एक्टिवा के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ है, जो कि एक्टिवा का 100% का ही फर्क है, तो वो यहाँ पर महसूस होता है, दिखता भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस की, टर्निंग रेडियस वो चीज़ होती है कि आप कितने कम जगह में गाड़ी घुमा सकते हो। 1275 mm का व्हील बेस है इसका, उस लिहाज से देखो तो आप टर्निंग रेडियस भी अच्छा है, तो सिटी कम्यूटिंग के लिए आपको कहीं पर भी इसमें दिक्कतें नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छी और बेहतरीन सिटी राइड का एहसास आपको ये गाड़ी दिलाती है। लंबी ट्रैफिक हो या फिर खराब रास्ते हो तो ऐसे में भी ये कहीं ना कहीं हेडेक महसूस नहीं होता है, या फिर यूँ समझ लो कि आपको इरिटेट नहीं होता है राइडर को, वो वाली चीज़ इस गाड़ी में है। काफ़ी अच्छे से सीटिंग पोजीशन है राइडर के लिए, बेहतरीन ये सिटी परफॉर्मेंस देती है। सिटी के साथ साथ हाईवे का भी इसका परफॉर्मेंस लाजवाब ही है। इस गाड़ी को जब आप हाईवे पर लेके जाते हो तो 80+ ये आराम से क्रॉस कर लेती है, और ऐसे में भी काफ़ी स्टेबल चलती है ये गाड़ी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बॉडी टू वेट रेशियो बेहतरीन यहाँ पर मेंटेन करा गया है। सामने से कोई हवा का झोंका आ जाता है, बारिश के दिन होते हैं, विंड आते रहती है हवा की, या फिर बाजू से बड़ा ट्रक गुजर जाए, तो ऐसे में भी ये गाड़ी लहराती नहीं है, बैलेंस जो होती है वो डिसबैलेंस नहीं होती है। तो कुछ उस हद तक यहाँ पर हैंडलिंग आपको मिल रही है। इसमें आपको जो कॉर्नरिंग अगर आप करना चाहो तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट किसी भी स्कूटर में ये पॉसिबल नहीं होता है। CVT ट्रांसमिशन इसमें मिल रहा है, थ्रोटल रिस्पॉन्स बेहतरीन मिल रहा है। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और आपने अचानक से थ्रोटल जो है वो घुमाया तो पिकअप इसका इंस्टेंट है, जैसे मैंने कहा एक्टिवा के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ही मिला हुआ है, और वही इसकी पावर पुलिंग भी बेस्ट है, बेहतरीन ही है, क्योंकि सामने जो फुट रेस्ट है वहां पर आपने कुछ रखा हुआ है, पीछे बंदा बैठा है और आप भी हो, तो वेट के साथ लोड के साथ भी ये गाड़ी अच्छे से अच्छे रास्ते पर आराम से चढ़ जाती है। और इस गाड़ी की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। आपको फ्रंट और रियर में 90x90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि अक्सर स्कूटर्स में देखा जाता है कि पीछे 10 इंचेस के मिलते हैं, आगे 12 इंचेस के मिलते हैं, या फिर पीछे छोटे मिलते हैं आगे बड़े मिलते हैं।
तो वेरिएशन होता है, यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है और इसी का एक फर्क आपको देखने को मिलता है हाईवे पर, जो कि बाकी स्कूटर से ये अपने आप को अलग साबित करती है। तो हैंडलिंग में बहुत बड़ा रोल होता है टायर्स का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों साइड में 12 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। इस गाड़ी में आपको 109.7 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि अब की बार FI के साथ मिल रहा है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 7.99 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 8.4 Nm का है। तो यहाँ पर भी आपको फर्क दिखेगा। तो ये जो 8.4 Nm का टॉर्क है और 7.99 PS की पावर है, तो इस गाड़ी में पावर की कोई कमी आपको महसूस नहीं होने वाली। जैसे मैंने कहा, पुलिंग पावर अच्छी है, तो हाई स्पीड पर भी आपको अच्छा सस्टेन कर लेती है ये गाड़ी। पहले के मुकाबले इस इंजन में स्मूथनेस थोड़ी इंप्रूव कर दी गई है। काफ़ी साइलेंट स्टार्ट तो नहीं कह सकते, इसमें साइलेंट स्टार्ट है ही नहीं इसमें, जो कि सिर्फ एक्टिवा में मिलता है आपको। लेकिन पहले जिस तरह से इस जुपिटर का इंजन मिलता था, वहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई है और स्मूथनेस का एहसास आपको ज़रूर मिलता है। 80 प्लस भी इस इंजन में आपको वाइब्रेशन या फिर किसी भी तरह की अजीब सी नॉइस महसूस नहीं होती है। वही इस गाड़ी में आपको 765 mm की सीट हाइट मिल रही है। तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो घर में आपके लेडीज़ हैं या फिर ये यूनिसेक्स गाड़ी है, कोई भी चला सकता है। जिनकी हाइट कम है, 5.2 या फिर 5.3 तक भी आपकी हाइट है, तो भी आपको इस गाड़ी को आराम से हैंडल कर सकते हो। काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है, बॉडी टू वेट रेशो मेंटेन रखा गया है और सीट हाइट भी जैसे मैंने कहा 765 mm मिल रही है। इसी के साथ सीट के नीचे का जो स्टोरेज स्पेसेस है वो अब की बार 21 लीटर का कर दिया गया है, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है ये। यहाँ पर आप आपका हेलमेट और थोड़ा बहुत जो सामान बचा हुआ है वो भी रख सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी गई है। लंबी चौड़ी सीट मिल रही है आपको सेगमेंट में, सबसे लंबी सीट इसी की है। इसके साथ कुशनिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, सीट की अच्छी है, यानी कि राइडर और पिलियन बेहतरीन यहाँ पर बैठ सकते हैं और लंबी राइड में भी आपको थकान या फिर कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर एक एडवांटेज दे देती है इस गाड़ी को। यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि अपना स्टैंडर्ड ब्रेकिंग सिस्टम है TVS का, वो मिल रहा है। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिल रहा है, पहले डिस्क मिला करता था लेकिन अब उसे निकाल दिया गया है। कहीं ना कहीं कॉस्ट मेंटेन रखने को ट्राई किया है TVS ने, लेकिन मैं कहूँगा ये डाउनग्रेड कर दिया आपने इसे अपग्रेड करना चाहिए था। तो ऑब्वियसली कि डिस्क का परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है ड्रम के मुकाबले, तो ब्रेकिंग पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो गई है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, जबकि यहाँ पर ठीक ठाक सी ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिल रहा है, जो कि अच्छी विजुअल एबिलिटी रास्तों पर क्लियर जो भी है ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली दिखा देता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको 6 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है। माइलेज अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है, लगभग लगभग 50 से 55 तक का आपको मिल सकता है। अब की बार ये BS6 में आ गई है, FI के साथ आई हुई है, तो माइलेज इंप्रूव तो हो ही गया है यहाँ पर, लेकिन 50 से 55 तक का जो है माइलेज आपको मिलता है। माइलेज भी अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलता है, डिपेंड करता है आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, कौन से कंडीशन में गाड़ी चलाते हो, तो वो सारी चीज़ें होती है। वही इस गाड़ी की अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो 68 से लेके 73,000 के बीच में आपको ये मिल जाती है। अलग अलग वेरियंट इसके हैं, प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। और ये जो प्राइस मैंने बताई है आपको, एक शोरूम प्राइस बताई है टेंटेटिव अलग अलग जगह की मिल करके, और ये आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर कंफर्म कर सकते हो कि आपके यहाँ पे ऑन रोड प्राइस जो है इसकी कितनी है या फिर ये आपके हाथ में कितने में आती है। तो अब अगर मोरल की ओर बढ़ ले और पूछा जाए या फिर बताया जाए कि क्या आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए, क्या आपको इतने पैसे आप इसकी एक शोरूम प्राइस पे कर रहे हो तो क्या ये वर्थ है, या फिर इसी प्राइस में कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वेट कर रहा है। तो देखो, मैं तो यही कहूँगा कि सिंगल वर्ड में मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, आपको इस गाड़ी को ज़रूर लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा क्योंकि यहाँ पे आपको जो टायर्स है वो दोनों साइड में 12 इंचेस के मिल रहे हैं, जिसका परफॉर्मेंस हाईवे पर दिखता है, काफ़ी स्टेबल चलती है ये गाड़ी। 2 या 3 बंदों को भी आप आराम से बिठा सकते हो, वैसे 3 बंदों को मत बिठाना, ये लीगल नहीं है, लेकिन कुछ लोग बिठाते हैं रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में भी ये सस्टेन कर लेती है गाड़ी अच्छे से। उसी के साथ इसका बूट जो है, यानी कि अंडर सीट स्टोरेज जो है, वो भी अच्छा मिल रहा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और भी कई सारे फीचर्स है इसमें इंट्रोड्यूस करे हुए हैं TVS ने अब की बार, इंजन पहले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। और नहीं तो भी कुछ रीज़न है तो भी ये यार देसी ब्रांड है, आपको देसी जो है प्रेफर करना चाहिए। मेरा तो काम है बताना, बाकी लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ जाते जाते हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है
तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।